ऑफ द मदर्स यूनिवर्सिटी इंडियन बैंकिंग। हम अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। मैंने द सेम थिंग है जो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो फंक्शंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है। प्लीज अपनी वो निकाल लो, मदर्स यूनिवर्सिटी की दिस सीरीज निकाल लो एक बार, क्योंकि इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, मैं एक बार सारा रिपीट कर रही हूँ विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड ऑल दैट। व्हाट इज द क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम। अ कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है, प्रॉफिट बेस्ड है, दैट ग्रांट्स लोन। क्या देता है, हमें लोन करता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, एडवांसिंग लोन, एक्सेप्ट डिपॉजिट हमारा प्राइमरी फंक्शन है। ऑफर अदर फाइनेंशियल सर्विस जो हमारे सारे सेकेंडरी फंक्शन है और यूटिलिटी वाले फंक्शन है वो। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, ठीक है। एंड ऑफर अदर फाइनेंशियल सर्विस सच एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये हमारा बैंक करता है जब हमें ज़्यादा अमाउंट की नीड होती है, ठीक है। कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन दैट आर शॉर्ट मेक शॉर्ट टर्म बैंक टू बिजनेस एंड इट प्रोसेस मनी। क्या है, कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी वो इन वाले ऑथर की थी, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताई थी, जो अपन ने रिपीट करी थी। वो थी एक सिक्यास की, उसकी स्पेलिंग थी, आप नोट कर सकते हो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है, SEYARS। अब ये डॉक्टर समथिंग कुछ और किसी और ऑथर की है, तो डेफिनेशन आपकी मर्जी है आपको किसकी लर्न करनी है। अकॉर्डिंग टू कल बर्स्टन की है, कल बर्स्टन की है। हम अपनी अब डेफिनेशन देख चुके हैं, फंक्शन सेम है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। जो इसके फंक्शंस हैं वो अलग है। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक में ही आपका प्राइमरी फंक्शन, डेफिनेशन और सेकेंडरी फंक्शन आ जाएगा, लेकिन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक डिफरेंट है। मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक बार रिव्यू दे देती हूँ आपको इसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, एक दो और इसमें एक्स्ट्रा है आई थिंक सो, एडवांसिंग डिपॉजिट, ठीक है, लोन, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कैश क्रेडिट। देखो अब इसी में चार आ गए आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में। एक आपका आ गया करंट अकाउंट, ठीक है, एक आपका आ गया सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट मैंने आपको बता दिया था। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है, द एम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम टू इज टू इंक्रीज रेगुलर सेविंग बाय पीपल। ये फिक्स्ड अमाउंट के लिए होती है। मैंने आज स्टार्ट करी रिकरिंग डिपॉजिट 100 रुपीज के लिए, और ये मैंने कहा मेरे को 25 ईयर्स तक करनी है, तो हम इसको रिडीम नहीं करवा सकते बीच में, नहीं, या तो ऑन द टाइम ऑफ हमारी डेथ की होती है या कोई सर्कमस्टांसेस हो, और सर्कमस्टांसेस इसमें खाली आपकी डेथ आती है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये होती है, नहीं तो ये नहीं होती। नेक्स्ट चीज देखो क्या कह रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट। RD नहीं बताया था मैंने अभी तक आपको, मैंने FD बता दिया था, फिक्स डिपॉजिट, जिसका इंटरेस्ट रेट किससे ज़्यादा होता है, करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं होता, और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, लेकिन RD क्या होती है, रिकरिंग डिपॉजिट होती है, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस में होती है जनरली, ये कोई आपके बैंक में नहीं होती, कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं करता, ये जनरली आपकी होती है पोस्ट ऑफिस में। मैं आपको इसकी एक फोटो दिखाऊंगी, इसकी कॉपी टाइप होती है ऐसे, उसमें हर जितनी बार आप हर महीने डिपॉजिट कराते हो उसकी एक एंट्री होती है, उसकी एक कॉपी होती है, उसमें साइन होते हैं जो भी होता है, और एक ऐसे स्लिप सी मिलती है। RD होती है रिकरिंग डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, बहुत सारे पेरेंट्स करवाते हैं भी अपने बच्चों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये वो है, ठीक है। एडवांसिंग डिपॉजिट में ये आ गया, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एडवांसिंग डिपॉजिट में ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन। लोन क्या है, अब लोन में इसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, हाँ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है।
लोन आ गया, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मैंने आपको बताई थी कौन करता है, जनरली बिजनेसमैन्स के लिए होती है जिनकी गुडविल ना खराब हो मार्केट के अंदर, उनके लिए होती है, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, ये सेकेंडरी फंक्शंस आ गए। एजेंसी फंक्शंस आ गए हमारे। प्रोविजन ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटी, रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो मैं आपको टर्म्स लिखवा रही हूँ, इसको शायद कॉपी में या अपनी बुक में साइड में एक पेंसिल रख लो, उससे लिखते रहो। कोई भी आपका लेटर है उसको रेमिटेंस करना, मतलब ट्रांसफ़र करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करना, ट्रांसफ़र। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखने होते हैं, रेमिटेंस लाइक दैट, कि रेमिटेंस फैसिलिटी देता है कौन, आप बैंक सेकेंडरी फंक्शन में, ठीक है। ट्रैवलर चेक दे देता है। अब ट्रैवलर चेक क्या होता है, ठीक है, ट्रैवलर चेक ये एक और फंक्शन है जो हमने पहले नहीं पढ़ा। व्हाट इज दिस ट्रैवलर चेक, हमें कहीं घूमने जाना है हमें, ठीक है, हमारे पास डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, बट हमें इसका भी झंझट नहीं लेना, हमारे पास एटीएम भी है, लेकिन ठीक है चलो, इससे भी हमें एटीएम भी जाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है, उसमें भी। लेकिन बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को, जो उसके वर्दी कस्टमर्स होते हैं, हेल्दी एंड वर्दी, जिनको ऊपर ट्रस्ट होता है, हेल्दी एंड वेल्दी कस्टमर्स को देता है ये, मतलब अच्छे और पैसे वाले, हेल्दी एंड वेल्दी कस्टमर्स को देता है बैंक, ठीक है। क्या होता है ट्रैवलर चेक, आपको कहीं भी घूमने जाना है, एसबीआई की ब्रांच के अलवर में है? नहीं, पूरे इंडिया में है, ठीक है, मेरे को इंडिया के अंदर घूमने जाना है, ठीक है, तो मेरे को बैंक क्या देगा, एक ट्रैवलर चेक दे देगा। आप कहीं भी जाओगे, आपको कैश तो यूज़ करना नहीं, आपको वो चेक यूज़ करना है कोई भी बैंक में जाके, ठीक है, आपको वो कैश दे देगा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास आपकी स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का ट्रैवलर चेक है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बैंक का ट्रैवलर चेक, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, आप जाके उसको वहाँ पर रिडीम करवा लो, ठीक है। तो ये इजी टू यूज़ होता है और आपको ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना होता। लॉकर फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, मॉडर्न फंक्शंस देख लो एक बार, क्या कहते हैं, ईएफटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, दिस सिस्टम अनेबल एम्प्लॉयज टू ट्रांसफर सैलरी वेजेस टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी बैंक अकाउंट। ये क्या कहते हैं, कंपनी से डायरेक्टली हो जाता है हमारा ईएफटी, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हमें कोई बहुत बड़ी पेमेंट करनी होती है तो हम जनरली ईएफटी करते हैं, क्या करते हैं, ईएफटी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हमें आरटीजीएस होता है एक, ईएफटी और आरटीजीएस, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक, हमें क्या, एटीएम कार्ड इशू हो जाता है, हमारा अकाउंट खुलते ही अगर हमें एटीएम कार्ड दे देते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, हमारा अकाउंट ओपन होते हैं, हमें डेबिट कार्ड दे देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी मॉडर्न फंक्शंस हैं, ठीक है। दो फंक्शंस थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, और थर्ड है हमारा मॉडर्न फंक्शंस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपके बिहाफ पे आपके कितना, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, वो सब भी बैंक करता है। देखो क्या कह रही है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो क्या कर रहा है बैंक, बैंक क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, किसकी, आपकी, आपने आज शेयर्स लिए, ठीक है यार, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपका आज किसी पार्टी से इंटरेस्ट आ गया आपके अमाउंट पे, वो शेयर्स आपके परचेज हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, सारी कलेक्शन कौन करता है इन्फॉर्मेशन की, बैंक करता है, कौन करता है, बैंक। तो बैंक का ये भी एक फंक्शन है, मॉडर्न फंक्शन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना। फंक्शंस देखो, फंक्शंस आपके लिए बिल्कुल न्यू है, किसके, कमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना है एक बार। हमने मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक देख लिया, प्राइमरी फंक्शंस देख लिया, और अपने सेकेंडरी फंक्शन, और एक और अपना था मॉडर्न फंक्शंस। अब है हमारा फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल
Importance and role of the commercial bank in developing country में mobilizing, क्या कहता है ये mobilizing? पहला क्या है mobilizing? saving for capital formation, क्या कहता है saving करना किसके लिए? capital formation के लिए. mobilizing saving for capital formation, देखो क्या कहता है. द कमर्शियल बैंक हेल्प इन मोबिलाइजिंग सेविंग थ्रू थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांच बैंकिंग. पीपल इन अ डेवलपिंग कंट्री लो इनकम है एंड इंड्यूस देम इन सेविंग इंट्रोड्यूस. ठीक है, देर आर दे ऑल्सो मोबिलाइज आइडल सेविंग ऑफ द फ्यू रिच. बाय मोबिलाइजिंग सेविंग द बैंक चैनलाइज इन टू मोर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. मैंने क्या कहा, आप आज डिपॉजिट कर रहे हो 20 रुपए, तो बैंक इसको किस पे चढ़ा रहा है? लोन पे चढ़ा रहा है. आपकी इनकम को किस पे चढ़ा रहा है? लोन पे. अपना LLR रख के बैंक क्या चढ़ा रहा है? 18 रुपए लोन पे चढ़ा रहा है. अगर वो 2 रुपए भी रख रहा है, किस पे? अपने रिजर्व्स में. ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर्कमस्टांसेस के लिए. ठीक है, क्या कहता है, मोबिलाइजिंग द सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. हमारे पास सेविंग्स हैं. ये क्या कह रहा है हमें? ज़्यादा क्या मिडिल क्लास पीपल क्या करते हैं अपनी लाइफ में? आज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ. हम क्या कर रहे हैं? वी ऑल आर द मिडिल क्लास फैमिली. सम आर रिच बट नो वन इज पुअर. ठीक है, लाइक दैट. मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है? जितना कमाती है उसका 40 से 30% तो वो सेव ही कर रही है. आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी सेविंग्स कर रहे हैं, स्टडीज़ के लिए, फॉर योर फ्यूचर्स, यू आर गो टू अब्रॉड और एनीथिंग एल्स. तो आपकी सेविंग्स हो रही है, उसी से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है. मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है. किसके लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. हम बैंक में सेविंग करेंगे तो बैंक क्या करेगा? उससे लोन देगा. लेंड, LEND, लेंड, लोन देगा. ठीक है, लाइक दैट. फर्स्ट फंक्शन क्या है? क्या करो? मोबिलाइजिंग द सेविंग फॉर सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग इंडस्ट्री. बैंक क्या करता है? नबार्ड है. नबार्ड एक तरीके का बैंक है. मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको नबार्ड बहुत अच्छे से. वो क्या है? एक बैंक है. वो क्या कर रहा है? किसको लोन दे रहा है? किसको फाइनेंस कर रहा है? इंडस्ट्री को. द कमर्शियल बैंक फाइनेंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन मेनी वेज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स की तरह से. ठीक है, क्या कर देता है बैंक? स्कीम निकाल देता है. किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल्स होते हैं उनको पता होता है आज बैंक ने ये वाली स्कीम निकाली है, आज बैंक ने ये वाली स्कीम निकाली है. ठीक है, हमारे स्टेट का जो वो CM होता है वो भी बहुत सारी स्कीम्स निकालता है फॉर द स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. देखो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. द कमर्शियल बैंक फाइनेंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मेनी वे. दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री. इन इंडिया दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन. इनकम ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्री लाइक गुंटमेला दे एडवांस मीडियम टर्म लोन फॉर 1 to 3 years. बट इन कोरिया द कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन लॉन्ग टर्म. लेकिन कोरिया में कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन देते हैं. और हमारे इंडिया में कैसे देते हैं? मीडियम टर्म लोन देते हैं, सॉरी शॉर्ट टर्म लोन देते हैं हमारी इंडिया में. ठीक है, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक अंडरटेक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड हाई परचेज फाइनेंस, अंडर राइट द शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री. दे नॉट ओनली प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री बट हेल्प इन कैपिटल मार्केट विद डेवलप द कंट्री. कैपिटल मार्केट क्या होती है? हमारे शेयर्स. मनी मार्केट क्या होती है? अभी हम सब पढ़ेंगे. मनी मार्केट क्या होती है? जिसमें हमारे कॉल मनी दैट ट्रेजरी बिल्स वो आते हैं. लेकिन कैपिटल मार्केट क्या होती है? किसमें इन्वेस्ट कराता है? शेयर्स में. क्या राय देता है? कमर्शियल बैंक एडवाइस भी देता है, ध्यान रखना. ठीक है, इंडस्ट्रीज को वो क्या एडवाइस देता है कि किसमें इन्वेस्ट करो? शेयर्स में. इससे आपको प्रॉफिट होएगा. क्या होगा? प्रॉफिट होएगा, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है. आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, लाइक दैट. तो क्या कर रहे हैं कमर्शियल बैंक? बहुत सारा काम कर रहा है कमर्शियल बैंक. क्या कर रहा है? फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रीज. फर्स्ट क्या था? मोबिलाइजिंग द सेविंग्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए. थर्ड पॉइंट देखते हैं.
थर्ड पॉइंट है फाइनेंसिंग ट्रेड, ट्रेड एंड बिजनेसेस, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी क्या करता है ये, फाइनेंस करता है। कौन? रेमिटेंस फैसिलिटी क्या होती है? रेमिटेंस फैसिलिटी, मैंने अभी आपको रेमिटेंस का वर्ड का मीनिंग बताया था कि ट्रांसफर करना वन प्लेस टू अनदर। तो गुड्स को हम ट्रांसफर ही करते हैं हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री क्या करती है हमें इम्पोर्ट, हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट। अगर इंडिया से कोई माल जा रहा है फॉरन में तो वो क्या होता है एक्सपोर्ट, इसको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया टू फॉरन कोई माल जा रहा है, लेकिन इम्पोर्ट क्या होता है, जो माल इंडिया से आ रहा है, सॉरी जो फॉरेन से आ रहा है, फॉरेन टू इंडिया, ये वाला क्या है हमारा इंपोर्ट है। इसको क्या करता है रेमिटेंस देता है, किसको, हमारी कंट्री को, क्या करता है गुड्स को भेज देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर देता है। आज मेरे को कुछ एक्सपोर्ट करवाना है लेकिन मेरे पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, मैंने सेलर से गुड्स लिए, मैं बायर हूँ, ठीक है, मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं बैंक की हेल्प ले सकती हूँ। किसकी हेल्प लूँगी? बैंक की हेल्प लूँगी। क्या करवाने के लिए? एक्सपोर्ट करवाने के लिए। वो हमें क्या बना के देगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बना के देगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देगा 3 मंथ्स के लिए, 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है हमारा। वो हमें क्या बना देगा? हमारी पेमेंट कर देगा अपने बिहाफ पे और हमसे बाद में ले लेगा, ठीक है। सेलर को तो पेमेंट कर देगा, सेलर हमारे गुड्स ले लेंगे और हमें बाद में वो पेमेंट हमें देनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट, ठीक है, लाइक दैट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये क्या करता है रेमिटेंस फैसिलिटी देता है, फाइनेंसिंग ट्रेड, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, द कमर्शियल बैंक हेल्प इन फाइनेंसिंग बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, हमारे इंडिया में भी है तो भी वो करेगा इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल तो हमारा बाहर का हो गया लेकिन वो इंटरनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। एक्सटर्नल मतलब हमारा योर दिस एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। द बैंक प्रोवाइड लोन टू रिटेलर होलसेल टू स्टॉक गुड्स इन विच दे डील, दे ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बता दिया मैंने आपको, प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पैसे कम पड़ रहे हैं यार, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हूँ मैं बहुत अच्छी एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, मेरा माल जा रहा है हर हफ्ते, हर दिन, हर रोज, हर सुबह शाम, तो बैंक क्या दे देगा मुझे? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देगा, मैं उसकी हेल्दी वेल्दी कस्टमर हूँ। क्या हूँ? हेल्दी और वेल्दी। वो मेरी गुडविल बचाएगा एनी हाउ, मेरी गुडविल तो बाहर भी खराब हो सकती है, इंटरनल क्या, मेरी फॉरेन में भी गुडविल खराब हो सकती है। फॉरेन का कोई चेक आ गया तो आप क्या करोगे? डिसऑनर हो सकता है, और फॉरेन में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ फिर भी एक दो बारी छोड़ देंगे लेकिन वहाँ नहीं छोड़ते। देखो नेक्स्ट क्या है, इंटरनल, इंटरनली भी हेल्प करता है और हमें कैसे हेल्प करता है एक्सटर्नली, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर को भी फाइनेंस देता है, कौन? कमर्शियल बैंक, ठीक है। द कमर्शियल बैंक हेल्प लार्ज एग्रीकल्चर सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री नंबर ऑफ वेज, दे प्रोवाइड लोन टू ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, दे ओपन अ नेटवर्क और ब्रांचेज इन रूरल एरिया टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट। ही क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, किसको? एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज पैसे कम देते हैं कौन? वहाँ पे जो लोग होते हैं, और जो ये लोग होते हैं लो पीपल जो एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, इनको मार्केट के रेट्स नहीं पता होता। मैक्सिमम हम कितने का पे आ जाते होंगे? 10 रुपये के आते होंगे। यहाँ आते आते कितने के हो जाते हैं? 50 रुपीज़ kg के हो जाते हैं, और वहाँ से 10 रुपये के आते हैं, उसमें भी उनका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, तो उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक्स को हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है? फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, दे प्रोवाइड फाइनेंस डायरेक्टली फॉर मार्केटिंग टू प्रोड्यूस फॉर मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन फॉर द फार्म फॉर प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। मैकेनिज्म में हेल्प करती है, किसमें? मैकेनिज्म में हेल्प करती है, इरीगेशन में हेल्प करती है, ठीक है। आप मशीनरी पेस्टिसाइड्स में हेल्प करती है, उनको लोन दे देती है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स में हेल्प करती है।
ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं। उनको लगता है ये लैंड बहुत बहुत अच्छी है, इसमें अच्छी फार्मिंग हो सकती है, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है फार्मिंग के, इरिगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनको वो क्या करती है? फैसिलिटी देती है, ठीक है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डायरी फार्मिंग, शिप ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पेसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे आजकल, द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर, आर्टिशियन एंड पिटी शॉपकीपर्स इन रूरल एरिया आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू द रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया। दीज रीजनल रूरल बैंक ऑपरेट अंडर अ कमर्शियल बैंक, दस कमर्शियल बैंक मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। फाइनेंसिंग कंज्यूमर एक्टिविटीज, पीपल इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, क्या कह रहा है? किस में हेल्प करता है? कंज्यूमर्स एक्टिविटी। पीपल इन द अंडर, बींग पुअर, हैविंग अ लो इनकम, डज नॉट हैव अ सफिशियंट फाइनेंशियल लोड टू बाय अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ के लिए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास हमारी नीड की क्या चीज़ है? फूड, शेल्टर, हमारी स्टडीज, फूड, वाटर, शेल्टर, ये हमारी नीड्स है। क्लोथ्स, आज स्टडी भी हो चुकी है, आज नेट इंटरनेट भी हमारी बेसिक नीड्स में आ चुका है, ठीक है। स्टडीज हमारी बेसिक नीड्स है, तो कमर्शियल बैंक उसमें भी हेल्प करता है। इन दिस वे दे प्रोवाइड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री, दे प्रोवाइड लोन फॉर कंजप्टिव एक्टिविटी। इन सब का अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। आप कहो कि बैंक के पीपल ही जा रहे हैं, नहीं, आजकल बैंक की वैन होती है जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते, रूरल एंड अर्बन एरिया में, जहाँ पे कमर्शियल बैंक ही नहीं है, क्या नहीं है? रूरल एंड अर्बन एरियाज में यहाँ पे क्या नहीं है? कमर्शियल बैंक नहीं है, वहाँ पे बैंक की वैंस जाती है, वो हेल्प करती है, उसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो हेल्प करते हैं। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है बैंक के अंदर। कभी एक बार आप बैंक जाना, उसमें पूरा देखना कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़। किसको फाइनेंस करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को। द कमर्शियल बैंक फाइनेंस ऑपरेटिंग, दे प्रोवाइड लोन फॉर एजुकेशन ऑफ यंग पर्सन, है ना, स्टार्टिंग इन इंजीनियरिंग, किस में स्टडी कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिकल एंड अदर वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ हायर लर्निंग, दे एडवांसेस लोन टू यंग एंटरप्रेन्योर, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड द टेक्निकल ट्रेन। किसको किसको प्रोवाइड कराते हैं? आज हमें स्टूडेंट लोन मिल जाता है, पहले मिलता था। आज मैं चाहूँ मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे नाम का लोन, स्टूडेंट लोन, जो मैं बाद में पे करूँगी जब मैं अर्न करने लग जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें किसको देते हैं? कौन देता है? हमें कमर्शियल बैंक देता है। सच लोन फैसिलिटीज बाय अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक, दस बैंक डू नॉट हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर इंक्रीजिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री फेथफुली, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक डिपेंड्स अपॉन द कमर्शियल बैंक फॉर द सक्सेस ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी एंड कीपिंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डेवलपिंग इन इकोनॉमी, दस द कमर्शियल बैंक कॉन्ट्रीब्यूट्स मच टू ग्रोथ, ठीक है, फॉर फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो हमने फंक्शंस पढ़े, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मैं आपको एक बार शॉर्ट रिव्यू सबका दे देती हूँ। शॉर्ट रिव्यू लेते हैं सारे का। पहला क्या था हमारा? पहला था मोबिलाइजिंग सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, बस यही पॉइंट अलग है थोड़ा सा, बाकी सब फाइनेंसिंग है। ठीक है, मोबिलाइजिंग द सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, किसको फाइनेंस करना? इंडस्ट्री, फाइनेंसिंग ट्रेड, मैंने अभी आपको बताया क्या फाइनेंस करता है? ट्रेड, फाइनेंसिंग सेवन है टोटल, एग्रीकल्चर,
फाइनेंस किसको करना, कंज्यूमर एक्टिविटी को। 5 हो गए 6 7 में यहाँ लिखा। आप इस 7 पॉइंट्स को आराम से 2 पेज में कवर कर सकते हो। एक पॉइंट को भी 5 लाइन में भी एक्सप्लेन किया, 35 लाइन्स हो गई। ठीक है, 6 कर लो तो भी 42 लाइन्स हो गई आपकी 7 पॉइंट्स में। आप बड़े आराम से लिख सकते हो सेविंग करना कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इंडस्ट्रीज आपको पता है, अगर आप भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जिसके मम्मी पापा फार्मिंग में, वो बड़े आराम से लिख सकते हैं। ट्रेड हमें पता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये तो इन एक्सटर्नल हो गया, बाहर का ट्रेड है ना, हमें हमारे पास इंटरनल ट्रेड भी है। ठीक है, फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, कंज्यूमर एक्टिविटीज़, मतलब जो हम जो मिडिल क्लास पीपल है, लो पीपल है अर्बन और रूरल एरिया में, वो अपनी कंज्यूमर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करता है बैंक, बैंक की वैन होती है। ठीक है, फाइनेंसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसको एम्प्लॉयमेंट देता है, यंगस्टर्स को। ठीक है, आज भी इतनी सारी जॉब्स हैं, आज इतनी सारी एप्स हैं, किसके लिए, बैंक ही तो उसका हेल्प करता है। लोगों को क्या प्रोवाइड करवाता है, एम्प्लॉयमेंट जन हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी, जितनी भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे आरबीआई की, उसमें हेल्प करता है।